बिहार के महराजगंज में पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से लूट का मामला सामने आया है। लूट में असफल होने के बाद अपराधियों ने सीएसपी संचालक पर किया फायरिंग। बाल बाल बचे सीएसपी संचालक। महराजगंज थाना क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक को रास्ते में पहले से घात लगाए अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटने का प्रयास किया। सीएसपी संचालक ग्राहकों को पैसे देने के लिए बैग में पैसे लेकर अपने घर से पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र जा रहा था। लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने सीएसपी संचालक पर फायरिंग कर दिया, जिसमें पीड़ित युवक बाल बाल बच गया। फायरिंग की आवाज सुनकर जैसे ही ग्रामीण घटनास्थल की तरफ दौड़े, अपराधी अपने आप को ग्रामीणों से घिरता देखकर बाइक छोड़कर पैदल फरार हो गए। वहीं पुलिस घटना की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की। घटनास्थल से पुलिस ने एक बाइक और एक पिस्टल बरामद किया है। पुलिस इस घटना के बाद अपराधियों को धर दबोचने के लिए इलाके में छापेमारी कर रही है। आइए देखते हैं इस घटना के बारे में महराजगंज डीएसपी हरीश शर्मा का क्या कहना है। बिहार से हमारे रिपोर्टर राजेश कुमार की ये खास रिपोर्ट। जा रही है सीएसपी संचालक से, इसमें पुलिस प्रशासन क्या करने जा रही है? इसके लिए हम सबके साथ जैसे अभी तो क्या था कि हम लोग इनके साथ जो कोऑर्डिनेशन जो है अभी तक नहीं था, इन सबको बुलाएंगे, इनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और जितनी सुरक्षा इनको हो सकती है मुहैया कराएंगे, क्योंकि सबसे जो है सॉफ्ट टारगेट, इनकी सब कोई सिक्योरिटी भी नहीं रहती है। तो इस तरह से प्लानिंग करें कि जब भी चलें तो पुलिस को इन्फॉर्म करें ताकि गश्ती गार्ड इनको सुरक्षा दे सके। और आए दिन सर अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है, इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाए? जो भी जिस तरह के अपराध होते हैं, ज़्यादातर अपराध डिटेक्ट हो रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं या तो अपराधी जो यहाँ पे ले रहे हैं उनको तो हम अरेस्ट करके भेज देते हैं, और अगर नहीं तो उनकी तो कुर्की वगैरह की कार्रवाई की जाती है। हम मोटरसाइकिल से आ रहे थे, एक आगे से बाइक लाकर रुका गया, रोक कर पिस्टल निकाल कर वो बोला मार दो। क्या प्लेस आपको उसके साथ कुछ दुश्मनी थी? जी नहीं, कहाँ से आ रहे थे? अपने डेढ़ा से दुकान पे ब्रांच पे। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे को जरूर दबाएं।